हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक और न्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों समझो मैं आज पांच डिफरेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके लिए। एक न्यूज़ चैनल को नहीं जमा होती दोस्तों, दो तीन डिफरेंट न्यूज़ चैनल को जमा होती है। मैं मेरे पिछले वीडियो में बताया था ढेर सारे पॉइंट्स मेरे को मिले थे तो वक्त नहीं मिला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे करके, तो मैं सोचा बस उसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप तक बता देता हूँ, आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता लंबा करके। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूँ ये न्यूज़ पे। दोस्तों इसमें मैं पांच डिफरेंट पॉइंट्स निकाला। पहला पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, जो 77 क्वेश्चंस मांगे गए थे गवर्नमेंट से उसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आ गया था दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर का था। मैं ये आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन गवर्नमेंट से करके। ये एक यूएस को जमा होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, टिकटॉक को साउथ कोरिया ने फाइन डाला है, बहुत ही बड़ा फाइन डाला है। ये क्या डिटेल में दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा क्यों डाला है, और ये सही भी है दोस्तों क्यों डाला है, मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में ये बताता हूँ, सारे के सारे इंडियन टिकटॉक स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स से इंटरव्यू हुआ था, बहुत ही बड़ा समझो एक बड़ा इंटरव्यू हुआ था, उसमें ढेर सारे बंदों ने ढेर सारी अच्छी चीज़ कही थी, वो क्या मैं वो बताता हूँ आपको तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में ये बात करेंगे दोस्तों, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जो टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स हैं 15 सेकंड के वीडियो पर कितना चार्ज करते हैं, क्या उन्होंने ये भी बताया। तो चौथा पॉइंट इस पे बात करेंगे। पांचवा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, हमारे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स है, सबके सब पूछते रहते हैं हेलो कब आएगा, लाइकी कब आएगा, बिगो लाइफ कब आएगा, यूसी न्यूज जो ये मोबाइल लेजेंड, ऐसे ढेर सारे जाके 59 ऐप्स पे क्वेश्चंस पूछे थे, उसका जवाब मैं फिफ्थ पॉइंट में दूंगा दोस्तों। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों इसके डिटेल में जाने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं ऐसे ढेर सारे न्यूज बस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों रही बात पहली, जो 77 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं वो तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें एक मिस हो गया था दोस्तों, उस दिन कोई डिटेल नहीं थी तो नहीं बताया, आज मेरे को डिटेल मिली, सोचा वो आज आप तक पहुंचा देता हूँ। चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियोस है उसमें अभी आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दोस्तों उन्होंने एक और सवाल किया है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 15 से 16 सवाल किए थे वो बता चुका हूँ, सारे के सारे 77 में जमा होते। आज एक और एक्स्ट्रा सवाल निकला है दोस्तों, वो कि ये है समझो, The government asked whether they faced any investigation in US. इसमें एक और सवाल जमा था, जो 77 बताया था मैं, उसमें ये भी सवाल जमा हो रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनसे पूछा है क्या आपका कोई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है US में कि नहीं करके। तो मेरा जवाब मैं खुद देता हूं दोस्तों, वो देना करके जो ने आपको भी पता है, हाँ दोस्तों चालू में है फिलहाल, समझो यूएस भी बैन के कगार पे, टिकटॉक को बैन करना चाहती तो ऑलरेडी ढेर सारे इन्वेस्टिगेशंस चालू में यूएस में, तो इसका जवाब हाँ है दोस्तों, ना नहीं, ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है और टिकटॉक भी यही जवाब देगी। दूसरी बात है दोस्तों, आप सोचो कि क्या हुआ उस सवाल का जवाब दिए कि नहीं, बहुत सारे बंदे पूछे दोस्तों, इसका कोई जवाब अभी तक मेरे को नहीं मिला, बस दो जवाब जो मिले थे मैं वो आप तक पहुंचा चुका हूं मेरे वीडियोस में, दो सवालों के जवाब ऑलरेडी इन्होंने दे दिए करके बताया। और कर तीसरा जो कल का मैं बताया था, जो 49 मिलियन वीडियोस निकाले गए थे, तो समझो कुल मिला के ये हुआ दोस्तों, जो 77 क्वेश्चंस है उसमें 50 के आंसर्स दे चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। पर इन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो पढ़ लिख रहा हूं मैं रोज रोज उसके जरिए से आपको बता रहा हूं, समझो 50 के सवाल के जवाब तो दे दिए, मैं खुद ये बता चुका हूं आपको मेरे ढेर सारे वीडियोस में, आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे उनसे भी कोई अपडेट मिलेगा जैसे कि बाइट डांस से या फिर केविन मेयर से, मैं वो भी आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों, ये मेरा काम है। तो रही बात दूसरी चीज की दोस्तों, दूसरी चीज में साउथ कोरिया ने टिकटॉक पे बहुत ही बड़ा फाइन लगाया, वो कि 1.55 लाख डॉलर्स का फाइन लगाया है, वो इसलिए है दोस्तों कि मिसहैंडलिंग एंड मिसलीडिंग ऑफ चिल्ड्रंस करके इन्होंने कहा दोस्तों। जो मैं समझाता हूं आपको, पहली बात ये बता देता हूं दोस्तों, 1,55,000 डॉलर का मतलब हुआ समझो कुल मिला के 1,16,00,000 के आसपास का फाइन लगाए टिकटॉक को साउथ कोरियन कंपनी से, सॉरी साउथ कोरियन गवर्नमेंट से, वो कि इसलिए उन्होंने 14 साल के नीचे के बच्चों के ढेर सारे वीडियोस, समझो तकरीबन 6,000 वीडियोस रखे थे जो कि डिलीट नहीं कर दी किए और रूल के खिलाफ था दोस्तों। ये आपको भी पता है टिकटॉक की एंट्री एज है ओवर 13, इनसाइड 13 नहीं, तो समझो उन्होंने 13 साल के आसपास के बच्चों के भी ढेर सारे वीडियोस उसमें छोड़ के रखे थे, उनको पता नहीं था एज उनकी क्या है किधर है करके, तो उनको बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ रहा है दोस्तों, और ये एकदम सही है। क्यों मैं बताता हूं आपको, समझो गलती की है और जुर्माना भरो, फाइन भरो और वापस ऐप चालू कर लो, ये एकदम सही लगा दोस्तों मेरे को, जो कि साउथ कोरिया कर रही है, जो कि हमारे इंडिया ने टोटली बैन कर दिया है। अब उसमें एक और चीज भी कही है दोस्तों, वो कि ये है जो पूरे साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने कहा है, जो पूरे साल का सेल था उनका, पूरे साल का सेल था उसमें से 3% उन्होंने फाइन भरा है इस पे, जो कि 1,16,00,000 के आसपास है। आप जाए तो कैलकुलेट कर सकते हो,
1.155 लाख US डॉलर्स होते हैं, 1 करोड़ 16 लाख के आसपास दोस्तों, 1 करोड़ 16 लाख 23 हजार कुछ ऐसे होते हैं आसपास होते हैं। आप चाहिए तो कर सकते हो, मैं इसे ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं भी एग्जैक्ट नहीं हूँ, मैं ना तो कैलकुलेटर लेके खड़ा हूँ, जितने तक मेरे को आइडिया मैं बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों रही बात तीसरे सवाल की दोस्तों, तीसरा ये है कि सारे के सारे इंडियन टिकटॉक स्टार से इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव मिलियंस ऑफ फैंस, वी आर स्ट्रगलिंग। उन्होंने सारे के सारे टिकटॉक स्टार्स ने एक ही बात बताई दोस्तों, हमारे ढेर सारे फैंस हैं जो कि बहुत ही मेहनत करके हम लोग बनाए, अब दूसरे ऐप में कैसे जाके बनाएंगे। 4-5 तो बताए थे कि हाँ लोग हम लोग बना लिए, हमको उतना ही प्यार मिला, पर सारे के सारे नहीं दोस्तों, समझो 96% 90% से ज्यादा बंदे यही बताए कि हमारे इतने सारे फॉलोअर्स थे, इतने सारे लाइक्स थे, हम लोग इसको वापस कैसे बनाएं, दूसरा कोई ऐप हमारे लिए इतना सहमत नहीं है, हम लोग वापस जाएंगे भी तो समझो फिर ABCD से चालू करना पड़ेगा, जो कि हम लोग जेड के पार हो गए थे, समझो एक ABCD मतलब पहली सीढ़ी से फिर कदम रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग हमारी मंजिल पहुंच चुके थे, उसके बावजूद भी फिर वापस आएंगे और कोई भी नया ऐप चालू करेंगे, फिर उतनी दूर जाना मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग बहुत मेहनत करके उतने जो भी फैंस थे हमारे, जो भी फॉलोअर्स थे, बहुत ही मेहनत करके बनाए, अब हम लोग उतनी मेहनत फिर वापस करना मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जो कि हमारी कमाई उसे चलती थी और पूरी बंद हो चुकी है करके उनका कहना एकदम सही है दोस्तों। जब एक चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में आप इतना नाम बनाया, इतना फेम बनाया, आपकी फेस वैल्यू बनी, आपके फॉलोअर्स बने, आप उसे कमाते थे, तुरंत से वो बंद हो गया, मतलब आप दूसरे ऐप पे जा रहे हो, मतलब फिर चालू करना पड़ेगा, समझो ये ABCD करके चालू करना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी जेड तक पहुंच चुके थे। मैं सिर्फ लॉजिकली आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये तो हकीकत है, मैं भी इसके साथ सहमत हूं और आप भी रहोगे दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है, आपके भी ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, आपको भी पता है आप कितने परेशान हो करके। तो तीसरी बात ये थी दोस्तों। चौथी बात ये थी दोस्तों, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स चार्ज्ड ₹2 लाख फॉर 50 सेकेंड्स वीडियो, नो अदर्स विल पे सच अमाउंट, वी विल गिव सच अमाउंट फॉर अ 15 सेकेंड वीडियो। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि चौथे पॉइंट में इंडियन इन्फ्लुएंसर्स 15 सेकेंड के वीडियो पर ₹2 लाख चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज, जो कि दूसरी कोई भी 15 सेकेंड की वीडियो वाला बंदा आपको समझो 20,000 भी देगा नहीं करके इनका कहना है दोस्तों। ये तो हकीकत है दोस्तों, टिकटॉक में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जैसे कि फैजू, ये रियाज और ढेर सारे, ये ब्यूटी खान, ऐसे ढेर सारे हैं दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता कितने, समझो लगभग 2,40,000 के आसपास इन्फ्लुएंसर है जिसके 1 लाख प्लस फॉलोअर्स इंडिया में है दोस्तों। तो उन्होंने सब यही कहा है कि हम लोग 15 सेकेंड के वीडियो पे 2 लाख चार्ज करते हैं, जो कि दूसरी कोई कंपनी हमको नहीं देगी, जो कि टिकटॉक ही देती है, दूसरी कोई देती नहीं हमको इतना करके। ये तो एकदम सही है दोस्तों, हम लोग कई सारे वीडियोस बना भी लेंगे, चलो चालू भी कर लेंगे, फिर वापस फॉलोअर्स भी ले लेंगे, पर इतना ज़्यादा अमाउंट दूसरी कौन सी कंपनी हमको देगी टिकटॉक के अलावा करके इनका कहना, ये भी एकदम सही है दोस्तों। दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है, हमारे ढेर सारे व्यूअर सब्सक्राइबर सब कहते हैं बिगो लाइव लाइक की हेलो ये सब कब आएगा, यूसी न्यूज़ मोबाइल लेजेंड ऐप सब कब आएगा करके, पर मेरा यही कहना है दोस्तों, ये मेरे को भी पता नहीं, ये सारी की सारी न्यूज़ जुड़ती है टिकटॉक से, इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे जो है 59 ऐप्स जमा करते चाइनीज को, बस बीगो टेक्नोलॉजी ये कंपनी है जो सिंगापुर को जमा करती है, जो लाइकी और बीगो लाइव चलाती है, और उसका मोर देन 50% शेयर होल्डर जो है वो बंदा है एक चाइनीज, उसका नाम मेरे को पता नहीं, जो चाहिए तो कल कमेंट में बोलो मेरे को, मैं वो भी बताता हूँ वो कौन है करके। मोर देन 50% शेयर होल्डर एक चाइनीज है दोस्तों। तो कुल मिला के बात ये हुई, सारे के सारे ऐप्स जमा करते चाइना को, जो टिकटॉक की न्यूज है सारे इसी को रिलेट होती है दोस्तों। एक बार टिकटॉक वापस आ जाएगा सारी न्यूज वापस आ जाएगी, मैं रोज इस पे समझो एकदम अपडेटेड रहता हूँ दोस्तों, ना तो बिगो लाइव से अब तक कोई अपडेट है, सोचो आप 2-3 दिन से तो टिकटॉक की भी कोई अपडेट नहीं आई, ना तो बाइट डांस से परसों आई थी, फिर 2 दिन बाद आज मैं बात कर रहा हूँ अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, ना तो केविन मेयर से है दोस्तों। जब टिकटॉक से अपडेट नहीं आ रहे तो इनसे भी अपडेट आना मुश्किल है, क्योंकि आप फिलहाल ये बंदे परेशान है, इस पे काम कर रहे हैं, सारे के सारे ऐप्स को कैसे वापस लाए जो गवर्नमेंट के क्वेश्चन है, इस पे काम कर रहे हैं ये बंदे में बहुत सारा बिजी है करके। एक रिपोर्टर ने भी बताया था, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, विद प्रूफ बताया था कि केविन मेयर आए थे, रिपोर्टर से एड्रेस भी नहीं किया, तुरंत चला गया, कोई अर्जेंट काम में थे, वो क्या था मेरे को भी पता नहीं दोस्तों, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। मैं आज भी सर्च किया दोस्तों, ढेर सारी न्यूज़ पे अपडेट रहा, कोई अपडेट नहीं मिला मेरे को, बस ये एक अपडेट मिला जो बताया मैं 77 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, जो क्या आप इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू है आपकी US गवर्नमेंट से करके, आज की न्यूज़ में एक ही मिला दोस्तों, ये बाकी की जो है कल की न्यूज़ है, मैं कल आपको नहीं पहुंचा पाया तो आज पहुंचा रहा हूं दोस्तों। तो मैं 24 आवर्स अपडेट रहता हूं, जैसे ही मेरे को मिलता मैं आपको पहुंचा देता हूं रोज़ रोज़ दोस्तों। तो सॉरी फॉर दैट, जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं पहुंचा दूंगा, और
एक और बार सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का रिप्ले कर नहीं पाता, बिजी रहता हूँ, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। और आप कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा देखूंगा मैं वीडियो में आपके लिए 2-3 मिनट निकाल के उसका भी जवाब दे दूंगा दोस्तों। पर मेरे लिए कमेंट में रिप्ले करना बहुत मुश्किल होता है, एक दो कमेंट नहीं होते, 200-250 कमेंट में मैं एक एक ओपन करता रहूंगा, दिक्कत हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हमारा वीडियो इधर पर खत्म होता है, बाय फ्रेंड्स।